नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं माला का ढाबा से आप सबका अपने किचन में स्वागत करती हूं। आज मैं बनाने वाली हूं मेथी मठरी। ये मठरी खाने में बहुत ही टेस्टी और काफ़ी ज़्यादा खास्ता होती है। तो चलिए खास्ता मेथी मठरी बनाना शुरू करते हैं। मेथी मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में मैदा लेंगे। मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है। इसमें एक चम्मच अजवाइन क्रश करकर डाल देते हैं। क्रश करकर डालने से अजवाइन का फ्लेवर उभर कर आता है। अब इसमें 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देते हैं। इसे भी क्रश करकर ही डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। मोइन के लिए ऑयल डाल देते हैं। मैं इसमें 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है, तभी हमारी मठरी खास्ता तैयार होगी। देखिए इसमें मुट्ठी बंध रही है, इसका मतलब इसमें मोइन ठीक पड़ा है। अगर मैदे में मुट्ठी नहीं बंध रही तो आप थोड़ा और ऑयल डाल दें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेते हैं। इसका हमें हार्ड डो तैयार करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर डो तैयार करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा डो गीला हो सकता है, जिससे मठरियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। देखिए मैंने कितना हार्ड डो लगाया है। अब इस डो को 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। डो को थोड़ा मसल कर चिकना कर लेते हैं। अब डो के 2 भाग कर लेते हैं। इसमें से मठरी के लिए लोई तोड़ लेते हैं। लोई को इस तरह से घुमाते हुए थोड़ा राउंड शेप दे देते हैं। मठरियों का साइज आप अपने पसंद से बड़े या छोटे कर सकते हैं। मैंने सारे लोई को तोड़कर बॉल्स बना लिए हैं। अब एक बॉल को लेंगे और दोनों हथेलियों के बीच दबाते हुए चपटा कर देंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ी मोटी ही रखेंगे। मैंने सारे मछलियों को तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मछलियों को एक एक कर ऑयल में डाल देते हैं। मछली को फ्राई करने के लिए ऑयल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ठंडा होना चाहिए। ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो मठरी का रंग तो आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची ही रह जाएगी, और ऑयल ठंडी रहेगी तो मठरी ऑयल सोख लेगी। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, तभी ये मठरियाँ खस्ता बनकर तैयार होंगी। मठरियों का रंग धीरे धीरे चेंज होने लगा है, इसे हम चम्मच से उलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं। इसका रंग जब तक सुनहरा ना हो जाए तब तक इसे हम इसी तरह फ्राई करेंगे। मठरियों का कलर सुनहरा हो गया है और ये देखने में भी अच्छी लग रही है। इसे अब हम ऑयल से निकाल लेते हैं। कलछी को थोड़ा कढ़ाई के ऊपर ही रोक लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में वापस चला जाएगा। अब हम इसे प्लेट पर रख देते हैं। एक बैच की मठरी को फ्राई करने में मुझे 12 से 15 मिनट का समय लगा है। इसी तरह से दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने सारे मठरियों को फ्राई कर लिया है। देखिए इन मठरियों का कलर कितना अच्छा आया है। ये मठरी काफ़ी खास्ता बनकर तैयार हुई है। इस मठरी को आप अधिक मात्रा में बनाकर एयर टाइट कंटेनर में बंद कर रख सकते हैं और एक महीने तक आराम से खा सकते हैं। इसे आप शाम के चाय के साथ भी खा सकते हैं, या फिर अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाए तो उन्हें आप नाश्ते में भी दे सकते हैं। इस मेथी के मठरी को आप होली दीपावली जैसे त्योहारों पर भी बना सकते हैं। ये मठरी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट और खास्ता होती है और सबको काफ़ी पसंद भी आती है। तो फ्रेंड्स, इस होली आप इस मेथी के मठरी को अपने घर में ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं, और अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें और ये भी बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।